Hi Hello everyone. तो आज एक बहुत ही जनरल सेशन में ले रही हूँ पीसीओ डी पेट इज पॉलीसिस्टिक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम नावे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है नावर्डेज इन फीमेल्स स्पेशली यंग फीमेल्स अगर हम बात करें अठारह साल से ऊपर की लड़कियों केन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है सो so, इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा रीजन जो आजकल देखा गया दैट इज लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी यस लैक ऑफ एक्सरसाइज द मेजर रीजन बीइंग आप लोग पढ़ते हैं तो यू कीप सिटिंग ऑन द सेम प्लेस फॉर आर्स एंड आवर्स तो इसके लिए द बेस्ट सोल्यूशन दैट यू कैन डू इज आफ्टर एवरी फोर्टी मिनट्स और फिफ्टी मिनट्स यू शुड वॉक फॉर एटलीस्ट फाइव मिनट्स गिव योर सेल्फ अ रेस्ट टाइम तो बॉडी की एक्टिविटी होती रहनी चाहिए द मेजर सेकेंड रीजन बींग द ईटिंग ऑफ जंक फूड ठीक है तो जितना भी मैदा से बना खाना है जंक फूड जितना भी है जो मैदा से बना हुआ है दिस इज वेरी वेरी रिस्की फूड राइट ना हो आपको अपनी बॉडी को लाइट रखना है तो उसके लिए आपको बहुत ही हेल्दी फूड खाना होगा सो मेक श्योर दैट यू आर ईटिंग ग्रीन वेजिटेबल्स ग्रीन वेजिटेबल्स एवरी डे एटलीस्ट वी इन योर डाइट एंड ऑल्सो तो वाइटामिन डी के लिए यू शुड एक्सपोज योर सेल टू वर्ड सनलाइट एटलीस्ट फॉर टेन मिनट एटलीस्ट फॉर टेन मिनट एवरी डे ठीक है वाइटामिन डी होना बहुत जरूरी है दूध पीने का भी कोई फायदा नहीं होता है ठीक है अगर पॉलिसिस्टिक का प्रॉब्लम देखें तो इसमें हो क्या रहा है आपको पता है हर महीने फीमेल को फोर्टीन डे ऑफ साइकिल पे ओविलेशन होता है सो so, होता क्या है कि ओवरी के अंदर एक सिस्ट बनना शुरू हो जाता है सिस्ट इज नथिंग बट अ फ्लूड फील्ड सैक इस फ्लूड फील्ड सैक में जो ओवा बाहर निकलना चाहिए था वो बाहर ना निकल के इसमें ट्रैप हो जाता है क्या हो जाता है इसके अंदर ट्रैप हो जाता है तो ओवा इसके अंदर ट्रैप हो जाता है ठीक है तो, तो ओवलेशन नहीं होता है विच कैन ऑल्सो लीड टू इनफर्टिलिटी इन फ्यूचर तो ये इनफर्टिलिटी का एक बहुत ही मेजर रीजन हो सकता है ठीक है एंड यही नहीं इसके साथ साथ हॉर्मोनल इम्बैलेंस भी शुरू हो जाता है हॉर्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है तो इसलिए इन सबसे बचने के लिए और मेडिसिन से बचने के लिए द बेस्ट वे इज टू चेंज योर लाइफ स्टाइल एक हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ जाइए और इसमें एक्सरसाइज जरूर करें जिससे कि आपका वेट भी बैलेंस रहेगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेट को बैलेंस रखना है और इसमें सुबह उठते ही मेक श्योर यू आर ड्रिंकिंग एटलीस्ट टू ग्लासेज ऑफ वाटर तो यहाँ पे टू ग्लासेज ऑफ वाटर जरूर पीना चाहिए एज यू स्टार्ट योर डे तो अगर आप ये सब चेंजेस भी करेंगे तो ओवर द टाइम यू विल फील लाइक ठीक है मेरी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं विच आर वेरी पॉजिटिव चेंजेस सो यहाँ पे अगर आप ये सब चीजें भी करें तो मेरी गारंटी है कि मूड स्विंग्स जो मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम है वो कम होना शुरू हो जाएगा सो so इसी के साथ आई टेक ऑफ डो नॉट फर्गेट टू सब्सक्राइब द चैनल दिस इज योर फेवरेट जी स्क्वायर